किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। दर्शकों, एक बार फिर मैं आया हूं श्री देव वेल्डिंग वर्क्स स्टेशन रोड चर्च के पास, नया गांव, जिला नीमच, मध्य प्रदेश पर, जहां पर किसान भाइयों के लिए खेती के काम को आसान बनाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ जो है बनाए जाते हैं। यहाँ मैं पहले भी आया हूँ, पहले भी यहाँ के जुगाड़ के बारे में मैंने आपको बताया है। काफी मजबूती के साथ में जो है जुगाड़ बनाए जाते हैं, काफी दूर दूर से यहाँ पर जो है जुगाड़ बनवाने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था, अभी भी इनके पास आप देख सकते हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ के लिए ट्रॉली बन रही है और इसी प्रकार के कई जुगाड़ इनके यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज मैं एक खास ट्रॉली के बारे में यहाँ पर आपको बताने के लिए आया हूँ। है ट्रॉली, लेकिन दर्शकों ट्रैक्टर की ट्रॉली की तर्ज पर हाइड्रोलिक होगी। जी हाँ दर्शकों, सही सुना है आपने, यूट्यूब पर आप पहली बार देख रहे हैं। मोटरसाइकिल पर वो ट्रॉली बन चुकी है जो कि ट्रैक्टर की ट्रॉली की तरह हाइड्रोलिक होकर के कम से कम 10 से 12 क्विंटल जो है वजन हाइड्रोलिक करके नीचे खाली कर सकती है। उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। दर्शकों, वीडियो के साथ में बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो जो है उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब जान लेते हैं इस ट्रॉली के बारे में खास बात और किस प्रकार से इन्होंने बनाया है, क्या इसमें खास है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मदन जी। नमस्कार किसान साथियों। अब इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि ये किस प्रकार से आपने बनाई है, हाइड्रोलिक बनाई है इसे, और लास्ट में हम दर्शकों देखेंगे भी सही किस प्रकार से हाइड्रोलिक होकर के ये रेत और गिट्टी इसमें भरी हुई है, और रेत गिट्टी का वजन आप जानते हैं कितना होता है, और आपको अंत में बताएंगे कि इसमें कितना वजन है और हाइड्रोलिक किस प्रकार से होकर के आसानी से कार्य कर रही है। तो मदन जी, अब इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं। मनीष जी, आपको मैं बताऊं तो ट्रॉली के बारे में, जैसे ट्रॉली अपन बनाते ही हमेशा रिवर्स फॉरवर्ड सभी तरह की, लेकिन ये जो अपन बनाई है ये हाइड्रोलिक ट्रॉली है। मतलब डंपर की तरह, ट्रैक्टर की तरह जो हाइड्रोलिक हो गया अपने सामान को खाली कर दे। वजन की बात करें तो अभी इसके अंदर अपन ने मैक्सिमम 12 क्विंटल वजन डाल दिया है। 12 क्विंटल वजन में ये चली है आपके सामने, और इसको अपन हाइड्रोलिक करके भी उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत मजबूत अपन ने सिस्टम लगाया है, कबानी सिस्टम तो है ये। कबानी के बाद में डबल सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन के भी अंदर डबल सस्पेंशन लगाया अपन ने, और ट्राली की हाइट, चौड़ाई, लंबाई वो भी कुछ अपन ने एक्स्ट्रा रखी है इसकी, ताकि माल ज्यादा जा सके इसके अंदर। अच्छा, इसकी कितनी चौड़ाई लंबाई है वो बता दीजिए। ये 4.5 फीट की चौड़ी है और 5.5 लंबाई है। 5.5 लंबाई है। अच्छा, इसमें जो ये आपने आगे एक स्पेशल जो काम मैंने देखा है, ये जो आपने लगाया है ये क्या चीज है? ये पावर ब्रेक है। अच्छा, पावर ब्रेक है ताकि गाड़ी फास्ट भी चले, धीरे भी चले, और ब्रेक में कोई समस्या ना आए। एकदम बिल्कुल पावर ब्रेक, जहाँ चाहोगे वहाँ गाड़ी रुकेगी। अच्छा अच्छा, और इसमें हाइड्रोलिक करने के लिए जो आपने सारा जो सिस्टम किया है इसमें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बता दीजिए। हाइड्रोलिक की बात करें तो इसे अपन ने कैपेसिटी इसकी बाइक की 10 क्विंटल रखी है, लेकिन ये उसका जेक जो है हाइड्रोलिक पंप, वो 2.5 टन तक आप इसको हाइड्रोलिक कर सकते हो। 2 से 2.5 टन? 2 से 2.5 टन, इतना मजबूत पंप है ये, आप देख सकते हैं इसका ये पंप है। अपने सिस्टम लगाया है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, और ये लीवर है इसका, ये और बिल्कुल ओरिजिनल होस पाइप अपन ने इस्तेमाल किए हैं ताकि लंबे समय तक चले और किसी भी साथी को कोई परेशानी ना आए। ट्राली की बात करें तो ये ट्राली अपन ने जिला राजगढ़ में माचलपुर गांव में कंस्ट्रक्शन का भाई साहब काम करते हैं, उनके लिए बनाई है अपन ने। इससे पहले भी एक ट्राली वो लेके जा चुके हैं यहाँ से, तो उनकी डिमांड थी कि यार हमें माल लाने ले जाने में और खाली करने में बहुत परेशानी आती है, तो उनको अपन ने हाइड्रोलिक ट्रॉली बना के। अच्छा, और अब दर्शकों सबसे खास बात कर लेते हैं, ये तो हमने ट्राली के बारे में जानकारी ले ली है। अच्छा, ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों चलती है? ये रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ चलती है। तो दर्शक बंधुओं, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर रिवर्स फॉरवर्ड इस ट्राली को चलते हुए, और काफी आसानी से चल रही है। वजन आप देख रहे हैं, और वजन काफी भरा हुआ है, उसके बावजूद भी बड़ी ही आसानी से ट्रॉली जो है चल रही है। ये ट्रॉली पूरी फोल्डेबल है? पूरी फोल्डिंग है, ट्रॉली भी अलग हो जाती है, ऊपर भी हो जाती है, नीचे भी हो जाती है, और आप कुछ काम करना उसको हटा के भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने इतनी मजबूत ट्रॉली बनाई है तो इसके लिए टायर वगैरह में भी कोई चेंजेस किया होगा? नहीं, टायर तो अपन हमेशा ही डबल कैपेसिटी वाले लगाते हैं, ये 12 नंबर टायर तो अपन लगाते हैं बड़े वाले, और कबानी सिस्टम तो आपको बता ही दिया है, कबानी सिस्टम में अपन ने बढ़िया सिस्टम लगाया है। कबानी सिस्टम से ये ट्रॉली और मजबूत बन जाती है दर्शक बंधुओं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और नीचे का पूरा मैं आपको बता देता हूँ, काफी अच्छी मजबूती का काम इन्होंने किया है, जिससे कि इसे लेकर के जाने वाले जो भी इसे बनवा रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना आए। अच्छा मदन जी, अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये ट्रॉली खास बनी है, अभी हम कुछ देर में इसको हाइड्रोलिक होते हुए भी देखने वाले हैं, दर्शक बंधु वीडियो के साथ में बने रहिएगा। अच्छा, इसमें क्या कीमत आपने रखी है इस ट्रॉली की? इसकी कीमत पड़ेगी पावर ब्रेक के साथ में 72,000 रुपये।
72,000 रुपए। अगर पावर ब्रेक नहीं लेते हैं तो 70,000 में अपन बना के दे देंगे। अच्छा, तो पावर ब्रेक का खर्चा 2,000 रुपए एक्स्ट्रा रहेगा। 3,000 आता है, लेकिन इस ट्रॉली के साथ में अपन 2,000 एक्स्ट्रा में दे देंगे, वरना दूसरी और ट्रॉली में अगर लगवाते हैं तो उसमें 3,000 रुपए खर्चा बैठता है। ठीक है, और अब आइए देख लेते हैं इस ट्रॉली को हाइड्रोलिक होते हुए। ये बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह हाइड्रोलिक आपके सामने होगी, तो बने रहें। और ये ट्रॉली मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बार आप YouTube पर देख रहे हैं इसे हाइड्रोलिक होते हुए। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं पर इस प्रकार का जो है जुगाड़ मोटरसाइकिल पर ट्रॉली का हाइड्रोलिक होते हुए देखा होगा। तो राजमल जी, इसे हाइड्रोलिक करके बताएं कैसे खाली होगी ये, और वजन इसमें जैसा कि आपने देख लिया है लगभग 12 क्विंटल वजन अभी इसके अंदर भरा हुआ है। पंप की क्षमता तो 2.5 टन तक की है, लेकिन मोटरसाइकिल पर है ये, अभी 12 क्विंटल का वजन आप देखेंगे हाइड्रोलिक होते हुए। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रॉली हाइड्रोलिक हो रही है, ये पूरी ट्रॉली खाली हो गई है। 12 क्विंटल वजन इसके अंदर था, यह पूरा ढेर देख सकते हैं। गिट्टी रेत में कितना वजन होता है आप आसानी से समझ सकते हैं, और ये आपके सामने काफ़ी आसानी से खाली हो गई है। और ऐसा जुगाड़ पहली बार आपने देखा होगा, बहुत अच्छा जुगाड़ है, किसान भाइयों के लिए काफ़ी काम आने वाला है। और भी अगर कोई दर्शक बंधु जो हमारे हैं, और अगर इस प्रकार का उन्हें कार्य रहता है, इस प्रकार की ट्रॉली अगर उन्हें चाहिए हो, तो बिना ट्रैक्टर के आप ये देख सकते हैं 12 क्विंटल वजन जो है इसने लेकर के जा सकती है, रिवर्स हो सकती है, और इस प्रकार से हाइड्रोलिक होकर के खाली हो सकती है। तो आपके काम को बहुत आसान ये ट्रॉली जो है बनाएगी। तो अगर आप भी इस प्रकार की ट्रॉली बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। पूरी जानकारी आपने ट्रॉली के बारे में देख ली है, सुन ली है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।